होप अच्छी होगी और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है क्लास का लास्ट डे और आज मिलने वाला है हमारे बेटे का रिपोर्ट कार्ड, तो मैं जा रही हूँ पतिदेव को ऑफिस भेज दी हूँ। अब मैं इनके संग जा रही हूँ रिज़ल्ट लाने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा होता है और आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। फाइनली गाइस मैं निकल गई हूँ और ये देखिए, चलिए चलते हैं और आपसे मिलते हैं हम, क्योंकि हमें और बेटा को जाना है तो ऑटो से ही जाना होगा। इसके डैडी ऑफिस है, सब कोई अपने अपने कामों में बिजी है, यहाँ सामने से ऑटो करेंगे और जस्ट स्कूल को। हर बार की तरह मैं ही जाती हूँ, तो यहाँ से मैं ऑटो कर ली हूँ और निकल गई हूँ स्कूल के लिए। बाबू बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था, बहुत टेंशन में था कि कैसा आता है, क्योंकि इस बार हम भी नहीं थे, जिसकी वजह से भगवान जाने कैसा नंबर आता है। तो चलिए चलते पहुँचते हैं स्कूल। फाइनली गाइज हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। बाबू बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था कि अगर नंबर कम आएगा तो मम्मा मारेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, मगर थोड़ा सा डराए थे गाइज, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे बच्चे की पढ़ाई इस बार बहुत लापरवाही हुई है, क्योंकि मेरे संग भी मजबूरी थी। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं ना उधर छोड़ सकती थी ना इधर छोड़ सकती थी। यहाँ पर मैं लिफ्ट के पास पहुँची, लिफ्ट का वेट कर रही थी, लिफ्ट के पास बहुत ज़्यादा गैदरिंग था ऊपर जाने का, तो मैं वेट की और जैसे ही लिफ्ट आया उसके बाद लिफ्ट में घुसे और फोर्थ फ्लोर पे जैसे ही लिफ्ट चलने लगा, बाबू की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मगर जैसे ही हम क्लास में पहुँचे तो सर भी पहुँचे हमारे संग, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था नंबर देख के, मगर सर बहुत मोटिवेट किए, बहुत समझाएं, और जैसे ही ये साइंस वाली मैम के पास पहुँचा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मैम ने इसे बहुत समझाया कि मैं मिलूंगी, तुम इसी फ्लोर पे रहोगे, इसे लग रहा था मुझे मैम को छोड़ के और मैं पुराने वाले बिल्डिंग में। चलो मैम देखिए किस तरह से समझाती है। बिल्डिंग रन होगा, मैं तो ऑब्जर्वेशन, इसको पता नहीं था, इसको लगा क्लास वहाँ चला जाएगा, पर इसे सारे बोर्ड वगैरह ऊपर के सब चेंज हो जाएंगे, तो है ना इधर उधर नहीं जाना, देखूंगी। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ मेरे बच्चे की, नंबर बहुत अच्छा लाया है। यहाँ पे बुक स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और इन लोग का डेट नेक्स्ट डे था, तो मैं आके ले लूँगी बाद में, और अब मैं जा रही हूँ। फाइनली गाइज हम लोग रिज़ल्ट ले लिया, बुक मिलेगा कल, सारा कुछ कल लेना है, तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने जीजू के शॉप पे। चलो दिखाओ गाइस, देखिए मैं अपने जीजू की दुकान आके मेरा बच्चा इतना, जीजू के पास जाना नहीं चाहता क्योंकि जीजू इसका इतना क्लास ले लेते ना, तो ये बहुत ज़्यादा डरता है। जब अपने पास बुलाए ना तो इसका पूरा पैर हाथ कांप रहा था, मगर जीजू समझाए। उसके बाद हम घर के नीचे वाले शॉप पे आ गए, ये बोला कि सांच को तुम खरीदी थी, मुझे भी खरीदो। यहाँ से हम बर्गर ऑर्डर किए और पैसे दिए और मैं चली आई घर, और बर्गर वाला बेल बजा के ऊपर दे देंगे और तब तक हम चलते लेके आ चुके हैं घर और चलते हैं ऊपर, सबको दिखाते हैं सबका रिएक्शन क्या होता है और फिर आप लोग से बातें करते हैं। तो मैं स्कूल से आ गई थी, बहुत थक गई थी, बातचीत नहीं कर पाए थे, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आरव का मार्क्स रिपोर्ट कार्ड आ चुका है ना, बहुत ज़्यादा बेकार बोलेंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, मगर हाँ ठीक ठाक है, क्योंकि इस बार मेरी लापरवाही थी जिसकी वजह से, लापरवाही भी नहीं बोलेंगे, मुझे बहुत अर्जेंट काम, मेरे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो था मेरे बच्चे के संग संग, वो भी बहुत ज़रूरी था, तो मैं वहाँ चली गई थी, जिससे कि थोड़ा सा उसका पढ़ाई डगमगा गया है। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, उतना बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, बट कोई ना थोड़ा सा उससे डराते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं, तो लगता है कि हाँ वो ये चीज़ सोचेगा कि मम्मा मेरे ऊपर प्रेशर बनाई है तो अच्छे से पढ़ेगा, बट कोई नहीं। तो चलिए न्यू सेक्शन के संग स्टार्ट करेंगे। अब उसके सारे नोट्स बुक बुक वगैरह सब कुछ ले लिया है और उसमें कवर वगैरह लगाना है, तो वो नए सेक्शन
में जाएगा, तो उसके लिए आप लोग बहुत सारा प्यार अपना ब्लेसिंग मेरे बच्चे को देते रहना, किसी तरह से बच्चा मेरा आगे बढ़ता रहे और पढ़ता रहे और कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा करे, क्योंकि आप लोग के ब्लेसिंग के बिना कुछ भी नहीं है। और छोटा वाला तो पता ही है कि काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया है, वो भी छोटा है, उतना प्रेशर नहीं, मगर हाँ चलो ठीक है। तो आप अपने मतलब कि किसी बच्चे से कंपेयर किसी को नहीं कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स वो भी लाया है। तो बोथ ऑफ यू ब्लेसिंग एंड लव, थैंक यू सो मच। तब तक ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।